नमस्कार दोस्तों, दुष्यंत जो हुए उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और वो कवि थे, बहुत बड़े कवि थे। वो कहा करते थे कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, फिर भी गजब है कि तुम्हें यकीन नहीं, तुम इस मशीन के पुर्जा हो, मशीन नहीं। ये एक कविता का जो प्रसंग है, वही सेम टू सेम यदि हम इस कविता को पूरे कास्ट सिस्टम और जो है वर्ण सिस्टम, या कास्ट, कास्ट इज नॉट अ सिस्टम बेसिकली, कास्ट जो है वो एक प्रथा है, ट्रेडिशन है। तो कास्ट ट्रेडिशन और कास्ट वर्ण सिस्टम और वर्ण जो है वो सिस्टम है, इससे देखें तो बराबर मिल जाता है। देखिए, वर्ण जो है वो एक सिस्टम है, सिस्टम का हिंदी में अनुवाद होता है तंत्र। तंत्र में होता है क्या कि बहुत सारे चीज लगे होते हैं, कलपुर्जे लगे होते हैं, तो पूरे को जो एक असेंबल कर दिया जाता है तो वो एक प्रॉपर काम करने लगता है, तो उसको कहा जाता है सिस्टम। ऐसे ही जीव विज्ञान के भाषा में बात करें तो इंसान में भी ऑर्गेन सिस्टम होता है, अर्थात जो है ऑर्गेन सिस्टम मिलके हमारा शरीर जो है बना हुआ है और हम लोग जी पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं, श्वास ले पाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग जिंदा हैं। जातिवाद और कास्टिज्म या कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जिस पे डफली बजाया गया है, बहुत लंबे समय तक डफली बजाया गया है, लेकिन वास्तव में आज हमारे सभी भाइयों को इस वीडियो में ये जानकारी मिल जाएगा कि दरअसल ये कास्ट सिस्टम है क्या और कास्टिज्म क्या है, ठीक है, और फिर यदि देखें तो वर्ण सिस्टम क्या है। दोस्तों, ये कास्ट सिस्टम जो है एक प्रकार का सच्चाई है, ये पूरे मतलब इंडिया का ही नहीं बल्कि इंडिया का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, हर जगह का, हर जगह का ये एक ट्रेडिशन बन चुका है। ये मानव का ट्रेडिशन है, इंसानी जो है एक हुकूक है, एक इंसानी जो है वो एक जद्दोजहद है कि हम अपने पुरखों को याद करके रखें, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है, ये कास्ट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ चीज है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भी आप जाते हैं और देखते हैं तो एक गरीब घर के जो है वो व्यक्ति जो है एक गरीब घर के व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं, अर्थात वो मैरिज जो है रिलेशन भी हो सकता है। वो आपको देख सकते हैं कि कोई भी तरह के रिलेशनशिप जो स्थापित करते हैं, एक डॉक्टर जो है डॉक्टर के मित्र पाए जाते हैं, इंजीनियर इंजीनियर से के करीब हो जाते हैं, ये सब ट्रेडिशन होते हैं। इससे भारतीय जो हिंदू सनातन परंपरा के अंदर वर्ण सिस्टम है, इसमें कोई लिंक नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट अब कहना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को प्लीज कंटिन्यू देखिएगा, और इस वीडियो को देखने से बहुत सारे हजारों, आप यदि देखते हैं तो हजारों लोगों के तक ये वीडियो पहुंच पाएगा और उनके भी प्रश्न का जवाब मिल पाएगा। देखिए, जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम कहा जाता है ये, लेकिन सिस्टम है ही नहीं, ये बात सिर्फ कास्टिज्म है। कास्ट को हम कास्टिज्म, एक यूनिट है, एक सेंस है, क्या एक डायनेस्टी है, मतलब अपने वंश के बारे में जानना, या अपना वंश जो है, हमारा भी कुछ वंश होगा, हमारे फोर फादर होंगे, उनका जो एक चलता आ रहा है और उनका जो अलग अलग व्यक्तियों से जो संबंध था, उन सबको याद करके और इकट्ठा कर देना, एक प्रकार का कह सकते हैं कि कास्ट है। जबकि वर्ण सिस्टम बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत ही डायनामिक और बहुत ही यूनिक चीज है, कंसेप्ट है। ये वर्ण सिस्टम का कंसेप्ट आपको शायद इंग्लिश डिक्शनरी में आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम या कास्टिज्म या जाति जिसको कहते हैं, उसका तो इंग्लिश डिक्शनरी में, क्योंकि वहां से वो शब्द आया है कास्ट, तो कास्ट का जो है वो बना है, ये कुछ अलग देशों का कोई शब्द होते हैं कास्ट, और यहीं से कास्ट का निर्माण भारतीय में भी, और फिर जाति का वही अनुवाद हो जाता है इंग्लिश में। लेकिन वर्ण का कोई अनुवाद नहीं है, क्योंकि ये है यूनिकनेस, ये इंडियननेस है कि वर्ण सिस्टम बहुत ही डायनामिक है। वर्ण को यदि हम परिभाषित करें तो देखिए, जो ब्राह्मण के गोत्र हैं वो शूद्र गोत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात क्या था, प्राचीन काल में बहुत ऐसे उदाहरण, लाखों की संख्या में उदाहरण मिल जाएंगे, जब शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र बने, ठीक है। तो यहां पे कहना कि यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन था, बिल्कुल नहीं था। हकीकत यही है कि बिल्कुल इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था।
आज हिंदुज्म को छुआछूत, भेदभाव या तरह तरह की बात कहा जाता है। ये हिंदुज्म की समस्या नहीं है, इवन ये बौद्ध धर्म की भी समस्या है। बुद्ध धर्म के अंदर भी जो है ये कास्ट मिटा नहीं है, कास्ट अभी भी जिंदा है। सिख धर्म के अंदर भी कास्ट पूरी तरीके से मिटा नहीं है, अभी भी जिंदा है। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में यदि आप घूम जाते हैं, वो इवन वो हिंदू कंट्री हो, मुसलमान कंट्री हो, कोई भी डेमोक्रेसी का कोई भी रूल ऑफ लॉ वहाँ पे फॉलो किया जाता हो, लेकिन यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलते हैं। लेकिन इस बात से हिंदू धर्म को जो है वो दिखाया जाता है कि ये हिंदू धर्म का देन है, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल ये फॉल्सहुड नैरेटिव है, एक नैरेटिव, ऐसा नैरेटिव जो भारत देश को कमजोर करने और भारत देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र मात्र है। इस बात को पूरी पुख्ता से लेना चाहिए, और जो ऐसे जो लोग हैं जो पावर में हैं उनको भी सोचना चाहिए कि दरअसल जो है ये क्या हो रहा है, कि हिंदू धर्म को जो चीज़ हिंदू धर्म में जो बात कहा ही नहीं गया है उस बात को लेकर फैलाया जा रहा है। सो अब देखिए, जातिवाद एक प्रथा है, जैसे आप पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कोई लोग अपने पुरखे को याद करते हैं, कोई लोग अपने पुरखों को याद नहीं करते हैं, तो डैट सेट यहाँ से मैटर क्लोज हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट, अब देखिए कि यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है, तो धीवर धीवर कन्या थी जो वेद व्यास हुए महाभारत काल में देखते हैं, और उनसे ही पूरे कौरव पांडव का जो है निर्माण हुआ है। वेद व्यास स्वयं जो है वो एक धीवर माता की पुत्र थे, ठीक है, ये बात समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो, और उनके जो गोत्र अर्थात जो है ऋषियों की टाइटल, तो जो गोत्र है वो आपको निचले जाति के लोग में भी मिल जाएंगे, जबकि आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 3 कैटेगोरी बनाई है, OBC, SC या जनरल कास्ट बनाई है, ये कैटेगोरी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल आधार पे ही बनाया गया है, लेकिन इसको जातिवाद से जोड़ा है। ये बिल्कुल एक मतलब अनसुलझा कुछ नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है, इस तरह की कैटेगोरी की कोई औकात नहीं है प्राचीन काल के वर्ण व्यवस्था के कंपेरिजन में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था सिस्टम बहुत ही एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और वर्ण व्यवस्था सिस्टम जो है इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े में मतलब ब्राह्मण बहुत सारे समय हुए जो ब्राह्मण से शूद्र में स्थापना, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, जबकि जातिवाद एक क्लोज सिस्टम है। यदि आप इसमें पड़ जाते हैं इसके चक्कर में, तो आप बंध के रह जाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि जातिवाद, और जातिवाद को बिना समझे जातिवाद को खत्म भी नहीं किया जा सकता है। सभी लोग अपने जाति के इतिहास के तरीके से समझें, न कि इसे कट्टरता और जो है महत्वाकांक्षा से, अत्यधिक महत्वाकांक्षा से जोड़े, क्योंकि महत्वाकांक्षा क्या है कि यह सही बात है कि बहुत सारे शूद्र जिनको टाइटल लगा दिया गया मध्यकालीन भारत में, वो शूद्र है ही नहीं, और उन्हें शूद्र घोषणा कर दिया गया पहले, तो जातिवाद में भी ये लोग गलत ही किए, ठीक है। आज भी आप सुनेंगे कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को शूद्र घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो कोई शूद्र नहीं है, वो तो ऐसे हैं कि कभी उनके गोत्र आप देखिएगा तो ब्राह्मण के गोत्र हैं, क्षत्रिय के गोत्र हैं, आपको मिल जाएंगे, अमूमन मिल जाएंगे, जो भारद्वाज, सांडिल, कश्यप, ये सब गोत्र जो है शूद्रों में भी हैं और ब्राह्मणों में भी है, ये दोनों ब्राह्मणत्व शूद्र में भी है और ब्राह्मणत्व वैश्य में भी है, ब्राह्मणत्व जो है आपको क्षत्रिय में भी है, और क्षत्रिय गोत्र जो है वो भी ब्राह्मण में है, अर्थात जो राजा हुए लेकिन कर्तव्य उनका काम काज जो था वो संत महात्मा ईश्वर की भक्ति वाला था, तो वो ब्राह्मण में आ गए। ये कहानी जो है वो हकीकत है, इस चीज को गलत नैरेटिव में दिखाया जाता है और समझाया जाता है। आई होप सो कि आप लोग जो है इस कंसेप्ट को और भी आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि एक तंत्र अर्थात एक सिस्टम क्या होता है और एक जो है पार्ट क्या होता है। इसीलिए गुसंत का जो कविता है वो बहुत ही तार्किक है कि तुम ये मशीन के पुर्जा हो, मशीन नहीं, अर्थात यह बात समझने की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट को कोई ऐसी पुख्ता चीज बनानी चाहिए, ये जो कैटेगोरी है वो बेसिकली ये भी कैटेगोरी कल न कल आप देखिएगा, आज भी जो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, एक तो थियोरिटिकल क्या हो रहा है, कानून बना देने से बहुत बड़ी बात नहीं है, कानून बन जाता है, उसको धरातल तक इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही टफ एंड जो है ट्रू काम होता है। तो यही बात है,
आज देखिएगा आप, आज भी जो सेंटीमेंट है लोगों का, वो कोई भी व्यक्ति यदि कहते हैं कि हम धनवान हैं तो हमारा जो संबंधी होंगे वो भी धनवान ही होंगे, तो यहीं से कास्ट का जन्म होता है। यही एक सेंटीमेंट, इंसानी सेंटीमेंट है जिस वजह से जो है कास्ट सिस्टम का फैलाव होता है। आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।